लगी अवतार मूवी और उधर आया रोहित शेट्टी का एक और गाना जो कि बोल सकते हैं हुकुम का इक्का साबित होने वाला है। भाई सीरियसली उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इसका ट्रेलर और पहला गाना देखकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं हुआ था, बस ओके ओके सा फील आया था कि ठीक है चल भी सकती है अगर मूवी के अंदर सब कुछ सही रहा तो। बट इस गाने ने तो भाई कमाल कर दिया है। इस गाने को सुनने के बाद आपको अंदर से ये फील आएगा कि इसको अगर सिल्वर स्क्रीन पर बड़े पर्दे पर जाके देखा जाए तो उसकी बात ही अलग है। बहुत लोगों का जो मिक्स रिव्यू था इस मूवी को लेकर कि शायद ये मूवी अच्छी भी हो सकती है खराब भी हो सकती है, तो इस गाने की वजह से वैसे लोग इस मूवी के पॉजिटिव बकेट में आराम से आ जाएंगे और आपको ये पुश करेगा मूवी को थिएटर में देखने के लिए। तो चलिए आगे बताते हैं इस गाने के बारे में। बॉक्स ऑफिस पर अभी स्टनिंग वीएफएक्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मूवी देखने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है जो कि है अवतार द वे ऑफ वाटर। और 23 दिसंबर को रोहित शेट्टी तैयार है अपनी मूवी सर्कस को लेकर जो कि आपको 60 के दशक में ले जाएगी। अभी फिलहाल इस मूवी का दो गाना रिलीज हो चुका है, एक है करंट लगा रहे और दूसरा है सुन जरा। अगर दोनों गाने का कंपैरिजन देखा जाए कि कौन ज्यादा अच्छा गाना है तो मेरी नजर में सुन जरा आप जरूर देखना, संग बाई पेपॉन एंड श्रेया घोषाल। एक दिन में इस गाने ने 1.7 करोड़ व्यूज लिए हैं और 1 लाख लाइक्स लिए हैं, तो आप खुद ही सोच लो कि ये गाना लोगों को कितना पसंद आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुली इस गाने का पिक्चराइजेशन किया गया है, इसके हर शॉट सिलेक्शन आप जब देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे। गाने में रणबीर सिंह के अच्छे से प्यारे से डांस स्टेप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। श्रेया घोषाल की आवाज उफ आपको एकदम फील कराएगी 60 के दशक के सॉन्ग की। और साथ में रोहित शेट्टी ने जो पिक्चराइज किया है इस गाने का, माय गॉड बहुत ही प्यारा है। और हर सीन सिलेक्शन, और इसमें आपको 3 से 4 लोकेशन दिखेंगे जो कि हर सीन से बहुत ही अलग और स्टैंड आउट करते हैं। वाइब्रेंट कलर और बाकी बैकग्राउंड में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका कॉस्ट्यूम देख लेना, हर चीज परफेक्टली ब्लेंड होती है इस गाने में। इस गाने का बीट इतना प्यारा है कि गाने को बार बार सुनने का मन करता है, क्योंकि अभी बॉलीवुड में जितने भी गाने आ रहे हैं ये उससे थोड़ा डिफरेंट है और रिफ्रेशिंग है, आपको कुछ अलग मिलेगा सुनने को। गाने में बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत ही स्वीट और सिंपल सा गाना है बट इतना कैची है कि आपको ये बांध के रखता है। अगर आपने इस गाने को अभी तक नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाके आप उस गाने को देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लेना और हां जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।